क्या हम पहले कभी मिले? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ऐसा लगता है कि पहले से जानता हूँ तुम्हें। विक्की भाई विल हैव टू बी मैच्योर अबाउट इट। उनको ये समझना पड़ेगा कि जब वो कोमा में थे थिंग्स चेंज्ड, सब बदल गया। क्या क्या याद नहीं है मुझे? कुछ ऋत्विक, लेट मी गो। पलक, आई एम सीरियस। ऋत्विक, लेट मी गो। अगर विक्रांत हमें देख भी लेता तो क्या फर्क था? ये पलक विक्रांत की इतनी परवाह क्यों करती है? और अगर करती है तो उसने मुझे क्यों किस किया? ये हो क्या रहा है? मैं सोच रही थी कि कल सेतु के यहाँ चली जाऊँ। पता है टाइम था जब मैं और सेतु 24/7 एक दूसरे के घर पे एक दूसरे के साथ होते थे या फिर फोन पे होते थे। और अब जब उसकी लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हो ना सॉल्यूशन फाइंडर, और मुझे तो कभी कभी लगता है तुम काउंसलर ज्यादा और डॉक्टर कम। वैसे मेरा भी एक मैटर है, सॉल्व करोगी? मेरी वाइफ का ब्रेन वॉश करना है। खाना खाओ। ठीक है पलक, मैंने सेतु को ऑफिस में ही बुला लिया, तुम भी यहीं आ जाओ यार जल्दी। ठीक है मैम, जयदेव को स्कूल छोड़ के फिर आती। हाँ ठीक है, बाय। यार आई थिंक हमने डिस्कस किया था ना कि अब हम मैरिड कपल्स के बारे में उनके मतलब उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर यार तुम लोग ये अलग चीज है यार, तुमने उनकी आर्गुमेंट सुनी थी कैफे में। ऐसे तो फिर रोहित भी मेरा दोस्त है ना, तो क्या मैं उसके साथ मिलके यहाँ पे पंचायत बिछा दूँ? You know what? You're making it girls versus boys and it's not that. You mean ladies versus men, right? Done in England. दोनों को स्कूल छोड़ देना प्लीज। हाँ छोड़ दूंगा। अच्छा बहुत स्मार्ट, ये फिनिश करो पहले। ये सुबह से लड़की किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, किसी को पता है कौन है लड़का? लड़का कौन लड़का? किससे बात कर रही है? मैं शाम को सारी डिटेल्स दे दूंगी आप दोनों को, पक्का प्रॉमिस, पर अभी मुझे अर्जेंटली निकलना है। ये इनके स्कूल बैग्स हैं, अब मैं निकल रही हूँ। बाय बाय। बाय। और पलक सवेरे सवेरे कितने चली गई? वो शायद ऋत्विक को फिजियो के लिए। और वो लड़के वाली बात क्या थी? दामाद हंटिंग चल रही है। दामाद? कौन है ये लड़का? मैंने उधर पियोता ना बोलते उन्हें उन्हें ही फोन लगाना। अरे आप शांति रखो शांति रखो, आपकी परमिशन के बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा। आप ब्रेकफास्ट करो। इतना टाइम लगेगा इसमें अभी? प्लीज मैम 5 मिनट आप बैठिए, मैं कूलर डाल रहा हूँ। ठीक है मैं यहीं वेट कर रही हूँ। हेलो बसंती, कहाँ? जरूरी काम। एक्सक्यूज मी, मेरी फिजियो का टाइम है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? मेरी लाइफ। जो भी एक्सरसाइज सिखाई है उन्हें रिपीट कर। आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। एग्जैक्टली, यही क्लियर करना चाहता हूँ मैं। और आपको भी बात नहीं कर पाया था, क्या चल रहा है? जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरे इमोशंस, मेरे रिलेशंस, अपने आप को, सबको नेग्लेक्ट कर रही हूँ मैं। ताने ऐसे मार रहे हो जैसे बॉयफ्रेंड होता मैं तुम्हारा। वी नॉट लवर्स। शक्ल देखिए अपनी, एक महीने से जानते हैं दूसरे को सिर्फ हम। यही ये तुम्हारी जुबान, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो तुम्हारी फाइटिंग फिट है ना। आई एम श्योर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल जल्दी रिस्पॉन्ड करी। जो तुम्हारा रूटीन है ना उन्हें रिपीट करो। एंड आई एम गोइंग। गुड डे। सेतु क्या जा रही है? अरे बेटा पहन लो यार। अरे सुनो ना गधे के बच्चों, सिर्फ स्वेटर पहन रहे हैं। स्वेटर पापा आज स्पोर्ट्स डे है। आज स्पोर्ट्स डे है तो ना पहननी। तू आ गया, तू इधर आ। ए इन लोगों की स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म का है? सेतु कहाँ गई है सुबह सुबह? दीदी स्पोर्ट न्यूटरी को ले आते मेरे को। ढूंढ ढूंढ स्पोर्ट्स वाली। तू तू एक काम कर शौरी, तू ही बता देना कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है। नो यूनिफॉर्म नो स्कूल। नो यूनिफॉर्म नो स्कूल। देख छोटा कैसा तैयार हो गया ना। रुक जा रिकी चाचू, इतनी सुबह सुबह कुछ याद आया? टेबल्स। पकड़ 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 पकड़। आई सही है यार तेरा, तू बहुत सुखी है। तुझे ये भी याद नहीं है कि तेरे बच्चे? मेरा मतलब काश मैं भूल जाता कि मेरे बच्चे। तीन तीन गलती है तेरा कर्म है साले। नहीं तू एक काम कर, मेरे को डिक्लेयर कर दे रोहित इज डेड, मेरे नाम के आगे लगा दे RIP रोहित। पलक नजर नहीं आ रही। अबे इतने मैच के बीच में मुझे सेतु दिख जाए बहुत बड़ी बात है। सेतु घर पे नहीं है। रोहित इज नॉट अ डोमेस्टिक मैन एट ऑल यार। आई मीन उसको समझाना पड़ेगा कि तीन बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है। उसे बोलो बच्चों को शावर दिला दे तो शावर नहीं दिला सकता। उसे बोलो कि बच्चों का होमवर्क करवाना है तो होमवर्क नहीं करवा सकता।
हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए डरता है वो बच्चों को यार। What's new सेतु? सारे हस्बैंड्स तो ऐसे होते हैं। रीवा यार, मैं अपने बच्चों को नैनीज वाली परवरिश नहीं दे सकती। You know when I was a child, mom dad हमेशा मेरे आसपास रहते थे। I want the same for my kids। यार पेरेंटिंग आउटसोर्स नहीं की जा सकती। देख सेतु, बात अगर सिर्फ बच्चों की होती ना तो प्रॉब्लम नहीं थी। तुझे भी पता है प्रॉब्लम क्या है। यार मैं दिन भर काम करके इतना थक जाती हूँ ना। I just don't feel like making out यार। I just don't feel like it। लास्ट कब हुआ था? पता नहीं यार, याद नहीं है मुझे। याद नहीं है मतलब? I don't know, maybe a month. A month? यार मैं प्लीज कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ अगर तू बुरा ना माने तो। देख आर्यमन की ना एज वैसी हो गई कि उसको हॉस्टल भेज सकते हैं। बड़ा हो गया वो, मैंने भी तो भेजा है ना समायरा को। लाइफ सॉर्ट हो जाती है, अपना पर्सनल टाइम मिल जाता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम रीवा? प्रॉब्लम ये है कि यू वर नेवर इनटू किड्स। सितु तूने जैसे पब्लिकली बात की ना रोहित से, इट्स नॉट डन। बच्चे तुम दोनों के है ना। सुन, या तो ज्यादा कर मत और अगर करिए तो जता मत। जता कौन रहा है यार? You know I left my job for them. You know that. क्या हो गया? तू पहली मदर नहीं है जो ऐसा कर रही है। Fantastic पलक, हटो। मेरी सीतू नाराज क्यों हो रही है? You know that he loves you. प्यार करता है वो तुझसे। अपनी पूरी फैमिली से फाइट करके उसने तेरे से शादी की। अब यार अगर ये फादर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हम मदर्स को कौन पूछेगा? हेलो, आई एम अलाइव। हैं? अबे तो फिर मैंने फोन कैसे उठाया तेरा? आरआईपी? क्या आरआईपी? हेलो, जिंदा हूँ। ए भाई, अपनी मौत का स्टेटस कोई फेसबुक पे डालता है क्या? ओ लाइक्स भी आ गए। मैंने भी किया। ये किसने डाला? बेसिकली तुम दोनों सहेलियों की ना एक ही प्रॉब्लम है, एक्शन नहीं मिला बहुत टाइम से। एक्शन? एक्शन? सेक्स? शट अप, व्हाई आर यू पुलिंग मी? मैं एडवाइस दूं? तुम ना दोनों आज ही कर डालो, मैं बता रही हूँ। ये भाई दोनों केस बिल्कुल अलग है। सॉल्यूशन तो एक ही है। बेबी इसका केस एकदम एक्सेप्शनल है। ये एक्सेप्शनल केस है। सेतु, रोहित इज डेड। व्हाट? दुनिया वालों ने घोषित कर दिया आरआईपी रोहित। अबे लुक एट द ब्राइटर साइड, कितने सारे लोग तेरे लिए केयर करते हैं। सुन, दिल्ली पुलिस ने भी लाइक किया पोस्ट। क्या बात कर रहा है? वैसे तुझे क्या लगता है मेरे बैठक में कितने जन आएंगे? वो सुमरन आएगी क्या? सुमरन कॉलेज वाली, मेरे अभी फ्रेंड भी है। साले, तीन बच्चे निकाल दिए, दो बच्चे उसने निकाल लिए होंगे, शर्म नहीं आती तेरे को? हाउ आई केयर? दुनिया भर का फोन आ गया, जिसका फोन आना था उसका फोन स्विच ऑफ। वैसे तुझे एक बात बताऊं, पता है तेरे को तुझे कोमा में था ना तो पलक तो पलट, मैं जब बात कर रहा हूँ तो देखना मुझे, पल पल हम तेरे साथ थे। बे रुकना यार, वेट करते हैं ना, जैसे सेतु को पता चलेगा, लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट। ओके। हाँ, उसने अभी फेसबुक में कुछ अपलोड किया है दैट उसे सुसाइड कमिट करना है। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेसबुक पे स्टेटस डाले क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग? बच्चों इधर आ, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे अब चाचू एक्शन बोलेंगे ना तो जोर जोर से फूट फूट के रोना शुरू कर देना। ओके, इन 3 2 1 एक्शन। अब एक्ट 1 सीन 2 रोहित की रेड बॉडी। पा, वो दिल्ली का टिपिकल रिच स्पॉइल ब्रैट नहीं है, he's a nice guy. हाँ, फनी है, इमोशनल है और इंटेलेक्चुअल भी। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे को फंसा रहे हो, मैं सब जानता हूँ। मैं और रीवा के डिटेक्टिव से बात करूंगा, वो सारी कुंडली निकाल देगा। लेकिन तुम्हारे पापा का बस चला ना तो घर जमाई ले आएंगे। नॉट अ बैड आइडिया, तुमने पूछा उसे तैयार है वो? पा, उसकी IAS क्लियर हो जाएगी तो उसको जहाँ पोस्टिंग मिलेगा वहीं जाएंगे। जाएंगे? ओ ममता जी शादी हुई नहीं, एक और पोस्टिंग में भी चली गई। पापर क्यूट है। पेपर आए। अब ये मेरे लिए। तू तो ऐसे झड़प रहा जैसे जायदाद के पेपर हो। यहाँ दिखा। नहीं, मैं देख लूंगा, आप लोग बातें करो, मैं आता हूँ। डैड, आप किसी को प्रिवेसी भी नहीं देते, वेरी बैड। क्या इन पेपर्स में? आंटी वो कुछ नहीं,
ऑफिस का विक्रांत, ऐसा मत करो। अगर इन पेपर्स में ऐसा है जो मैं सोच रही हूं, बंद रहने दो इन्हें, मत करो। पलक को मत छोड़ो। आंटी, आज नहीं तो कल तो ये होना ही है। सुनो तुम दोनों, जब मम्मी घर आएगी ना तो पापा को यहाँ के लेटा देंगे और तुम दोनों ने फूट फूट के रोना है। चलो दफा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, खुश होगी। इनफैक्ट पापा जी, इसको देखो ना, चल ही नहीं रहा है। क्या हुआ इसे, खराब कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये तो ठीक है, रुको मैं तुम लोगों को सिखा कैसे चलाता। ठीक है, रोहित। ओए, are you okay? पापा, उठो। पापा, पापा प्लीज उठो ना। पापा प्लीज उठो ना। नहीं यार। पापा प्लीज उठो। रोहित, पापा प्लीज उठो ना। पापा, पापा। रोहित, 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 रोहित भाई, रोहित भाई, रोहित क्या हुआ तुमको? रोहित प्लीज कह रहा हूँ, रोहित कोई एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कोई एम्बुलेंस। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ, एक सेकंड। कुछ पानी लेके आओ रोहित। रोहित उठ जाओ प्लीज। रोहित कह रहा प्लीज। रोहित क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो प्लीज। रोहित बेवकूफ हो तुम दोनों। अंदर चलो, अंदर चलो। तुम सीरियसली डर गई थी? मतलब ये सब मजाक? It's not a joke. बच्चे नहीं हो तुम। I need a man, not a bloody moron. रोहित, नहीं बर्दाश्त हुआ सेतु से वो जो, कोई भी वाइफ होती उसे नहीं बर्दाश्त होता। प्यार क्या होता है ना, पलक से सीखो तुम। पलक से? Really? पलक एंड विक्रांत ऑफ कोर्स। ओह यार, मैंने अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी किए सेतु। तो मैंने भी बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ा है। I'm sorry. वो आर्यू ने मुझे स्केटबोर्ड से धक्का दे दिया था, क्या करता मैं? गिर गया। Stop being so kiddish ना यार, बच्चों वाली बातें मत किया करो। Sorry. Give me a hug. Sorry. सॉरी, आज तुम्हारा फिजियो नहीं कर पाए। कौन हूँ मैं? प्लीज हेल्प मी, हु आर आई? मैंने बताया ना तुम्हें। नहीं, तुम क्या हो मेरी लाइफ में? जस्ट डोंट लाई, बोलो कौन हूँ मैं? बताया ना मैंने तुम्हें, से तो मेरी फ्रेंड है। और जब उन दोनों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, से मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। मेरी डॉक्टर हो? हाँ। तो किस क्यों क्या मुझे? पेशेंट किस करता? झूठ मत बोलना, मुझे याद है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी याद है। किस? CPR. That was not a kiss. तुम मेरे पेशेंट हो, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। ऋत्विक, मैं तुम्हें बता दिया, हमें लेट हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए।
कंफ्यूज हो रही हो ना कि विकी और रिक्की में इससे ज्यादा अमीर कौन है, चूज कर रही होगी ना अभी, है ना? ये जानते हो ना तुम, अच्छी तरह से जानते हो मेरे साथ दो दो लोगों को, अब उसको भी किस, मुझे भी किस, और कौन कौन है, हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू हैव? मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी बायोलॉजिकल मदर, यू आर एग्जैक्टली लाइक माई मदर. पैसे नहीं थे मेरे बाप के पास, इसलिए छोड़ के चली गई. फकिंग सेम. याद है शादी के पहले तो तुम्हें दाल बनानी भी नहीं आती थी. हाँ ये बात तो. और शादी के बाद भी दाल बनाता मैं था, क्रेडिट तुम्हें देता था. सुनो दाल तो अच्छी बननी है, तुम 1 किलो घी डालते थे इतनी सी दाल में. इट्स गॉट टू बी टेस्टी. और तुम्हें क्या लगता है माँ को पता नहीं लगता था इतना घी डाला हुआ तो तुमने ही बनाई है दाल? माँ को पता था ऑब्वियसली. तो तुम दोनों ऐसे ही मैंने सबसे मेहनत करते थे. नॉट दैट. विक्रांत कहाँ है? हाँ तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ. मॉम विक्रांत कहाँ है? पता नहीं बेटा. ये अलार्म क्यों लगाया हुआ है? अरे वो पलक ने लगाया है, मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है. मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी क्लास ले लेगी वो. ये इस घर में सबकी पलक से इतनी पटती क्यों है? तुम बोल रहे हो, तुम तो बड़ा सताते हो उसे. आ तो नर्स है, बीवी नहीं है मेरी, औकात में रखूंगा उसको. स्टूपिड गर्ल. सुनो ये जो विक्रांत है अपना, ये ना मुझे थोड़ा सा ढीला लगता है. हाँ मुझे लगता है कि कोई भी उसको ना बेवकूफ बना सकता है. आई मीन ऐसा नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, स्मार्ट तो हो गई, बट आई थिंक ही इज अ लिटिल इमोशनल. ठीक है, और वो जल्दी भावुक हो जाता है. सो ही इज अ गुड गाय. ऑफ कोर्स इसीलिए धोखा खाएगा वो. उसे धोखा कौन देगा? छड़, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और हमने कभी उसके लिए कुछ भी नहीं किया. तू मेरी हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स मां. तू विक्रांत और पलक को तू उन दोनों को मिलाएगा?